चीजें, बट मुझे जेनुअनली फर्क नहीं. बट कुमार सौ शुभम, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, नॉनसेंस नेम डार्लिंग, अगर ये आपकी परवरिश है, ये आपको आपके परिवार वालों ने सिखाया है, किसी के लाइफ पे जाके इतने प्यारे से शब्द यूज करने, तो आपकी सोच और आपकी मेंटालिटी दिखती है. ग्रो अप किडो, आप अभी भी बहुत छोटे हैं, आपको अभी बढ़ने की जरूरत है. एंड आई होप आप ऐसे बाकियों के कमेंट पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैं. आई रियली विश कि ऐसा कमेंट आपके परिवार पे या आपके बहन पे या आपके माँ पे कोई ना करे. सो बच्चे, आपको बड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ग्रो अप ग्रो अप ग्रो अप मेंटली ग्रो अप. क्या होता है ना, ऐसे लोगों को लगता है कि जाओ किसी के भी पोस्ट पे कुछ भी कमेंट कर दो, बट आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ 24 घंटा काम करते हैं. धूप ठंडी ये सब कुछ नहीं देखते, सिर्फ 2 घंटे की पिक्चर बनाने के लिए या सीरियल करने के लिए. सो अगर आप किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, सो कम से कम ये वाहियात चीजें, वाहियात लैंग्वेज ना यूज करें, अच्छा रहेगा. एंड अगर आपको मैं बिल्कुल नहीं पसंद हूँ, सो आप मुझे अनफॉलो बेझिझक कर सकते हैं. मेरे लिए, मेरा जो 1 मिलियन परिवार है, मेरे लिए उतना बहुत है. और जो भी मेरे साथ रहेंगे उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी. अगर मेरे पास एक इंसान भी है जेन्युइन है, वो मेरा अपना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको मैं नहीं पसंद है, प्लीज आप जाइए मुझे अनफॉलो कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. बेवजह आप लाइव में कुछ भी सुन लेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और ना ही मेरे मूड के लिए अच्छा रहेगा. सो प्लीज ग्रो अप, यू आर अ बेबी. हाय. तो इन सभी के लिए, वो भाई साहब का नाम क्या था पता नहीं, मैं पढ़ी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या अजीब सा नाम था, बट उन सभी के लिए जो किसी के पोस्ट पे जा करके कमेंट करते हैं बहुत ही वाहियात वाहियात लैंग्वेज, तो उन सबसे सो कॉल्ड रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मेंटालिटी को सुधारे. किसी के पोस्ट पे जाकर के आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि कुछ भी बकवास करें. ये फ्री का है, इंस्टाग्राम फेसबुक वट एवर सोशल मीडिया, कि आप कहीं भी पोस्ट कर सकते. इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी वाहियात पोस्ट कर सके. अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो उसका दिमाग भी ना खराब करें. सो अगर जो लोग को मैं पसंद नहीं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पे भी देती देखती हूँ, कुछ कुछ बहुत महान लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं. सो उन अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले लोगों से बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मैं नहीं पसंद, आप प्लीज जाइए मुझे अनफॉलो कर दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी. सो प्लीज देखिए, रॉस स्टार तुलसी 07, मैं सिंपति, किस चीज की सिंपति, आई डोंट अंडरस्टैंड. लाइव आके सिंपति क्या होता है? मैं बस लाइव आई बिकॉज मेरा मन किया और मुझे आप लोगों को बताना था कि आज हमारी फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है, दैट्स ऑल. मुझे सिंपति गेन करने के लिए, मुझे किसी से झगड़ा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए लाइव मुझे नहीं लगता है. मुझे जब लगेगा कि चीजें क्रॉस हो रही है, ओवर द टॉप जा रही है, तब मैं सोचूंगी कि नहीं, मैं ऑफिशियली सारी चीजें बुलाऊंगी और ऑफिशियली करूंगी. बट यस, मैं ये फिलहाल जो बातें कर रही हूं उन लोगों के लिए जो बकवास करते हैं. जैसे देखिए, एक और बकवास करने वाले आ गए हैं. सो जो बकवास करते हैं, प्लीज जाइए मुझे अनफॉलो कर दीजिए. बेवजह आप अपने अपने क्यों नाम खराब, अपना मेंटालिटी, आपका परवरिश क्यों दिखाना चाहते हैं किसी के पोस्ट पे आगे ऐसे वाहियात से कमेंट करके. देखिए, एटीट्यूड नहीं है बॉस, दिस इज नॉट अ एटीट्यूड. इसे आप एटीट्यूड नहीं कह सकते, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं. कोई अगर आपके फैमिली को, कोई आपकी बहन को, कोई आपकी बेटी को अगर ये सारी चीज, तो शायद आपका भी दिमाग खराब होगा. तो इसे एटीट्यूड नहीं कह सकते. एटीट्यूड उसे कह सकते हैं जिसे आप ढंग से रिप्लाई ना करें या अच्छे से क्वेश्चन का उल्टा तरीके से जवाब दे. इसे एटीट्यूड नहीं कहते बाबू. हेलो श्रवण, हेलो रूबी, हाय. सुनो, सुनाइए. बिल्कुल प्रियांशु, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. मैं
मेरे लिए जेन्युइनली देखिए, मैं एक ही चीज मानती हूँ, अगर आप कुछ करते हैं तो हर जगह पॉजिटिविटी हो, हर जगह सिर्फ अच्छी बातें हो, ये जरूरी नहीं है. उसमें एकाध गंदी चीजें तो होती ही है. अब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें पूरा यू नो प्लस पॉइंट तो मिलेगा नहीं आपको, उसमें लोग आपको पसंद भी करते हैं ना पसंद भी करते हैं. सो जेन्युइनली मेरा काम है, मुझे जो काम मिलता है मैं काम करती हूँ. और मैं अपने घर 8 साल सीरियल किया है, उसके बाद फॉर अ चेंज मैं भोजपुरी में आ गई. और भोजपुरी में इतना सारा प्यार मिला, इतना सारा प्यार मिला कि मुझे वापस सीरियल में जाने का मौका ही नहीं मिला. सो ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, दुलार है कि आज जो भी हूँ मैं आप लोगों के वजह से हूँ. और कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही काम करते रहूँ ताकि आप लोगों को कभी निराशा ना हो. और एंड आई होप कि अभी जितने कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया है, जितनी फिल्में की है, एक से बढ़कर एक फिल्म है और सब एक मायने में अलग अलग है. सो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कोई यू नो शिकायत नहीं होगी मुझसे, ना फिल्म को लेके, ना कॉन्सेप्ट को लेके, ना लुक को लेके, क्योंकि हमने लॉकडाउन के बाद बहुत मेहनत की है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करने का, अलग अलग स्टोरी पे काम करने का. एंड आई होप कि आप लोगों को हमारी मेहनत दिखे और आप हमें खूब सारा प्यार दें. एनी क्वेश्चन जो आप लोगों को ये शो. अच्छा जी हाँ, मैंने सपने सुहाने लड़कपन के किया था, आई गेस आज से 8 साल पहले, 8 साल हो गए हैं. एंड लकीली जो मैं अभी सीरियल कर रही हूँ, इसमें मुझे वापस मेरे जो पुराने टीम थे, पुराने टेक्नीशियंस थे, पुराने एक्टर्स थे, सब मिल गए. सो यू नो अच्छा लग रहा है वापस से सेम फैमिली के साथ कनेक्ट करना, बहुत अच्छा लग रहा है. हेलो, और कोई क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे? हेलो 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 हाय के अलावा भी कुछ पूछ लीजिए. थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल. मैं आप सबसे प्यार करती हूँ, आप सब मेरा परिवार है. आज कसम पैदा करने वाले की पार्ट 2 आएगा शाम को, भूले नहीं, मैं बार बार याद दिला रही हूँ. मेरी सबसे बनती है, मेरे अंदर किसी के लिए ना ही कोई हेट है, ना ही कोई यू नो मैं कैसे आप लोगों को बताऊं. मैं मुझे सिर्फ नो, आई एम नॉट अ कॉफी लवर, आई एम अ टी लवर. आजकल कुछ ज्यादा ही टी लवर हो गई मैं. हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मेरा नेचर ही है कि मैं कोई भी सेट पे जाऊं, हंसी खुशी से काम करूं और वापस अपने घर आ जाऊं. ना ही मुझे बेवजह का लाइमलाइट, बेवजह के झगड़े, बेवजह का चीजों में पड़ने का शौक है. सो यस, मेरा सबसे बनता है. ओह हेलो, प्लीज टेल हर हेलो फ्रॉम माय साइड आयुषी. और कोई क्वेश्चन? कहां से हैं आप? मैं बिहार से हूं. आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे अक्टूबर में है. अच्छा अक्टूबर, सो अभी बहुत वक्त है, अभी अभी आके गया है. लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पाए हम इस साल, सैड. कनिष्का, हाय कनिष्का, कनिष्का हाउ आर यू? शादी कब तक करूंगी? जब भी करूंगी. ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हो गया है, बहुत बार मुझे कमेंट के जरिए या यू नो कोई भी इंटरव्यू के जरिए भी पूछा जाता है. तो गाइस मैं जब भी शादी करूंगी, मैं चुप 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 के शादी नहीं करूंगी, मैं ऑफिशियली अनाउंस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छुपा देते हैं, मैं सब कुछ नहीं करूंगी. यू नो मैं ऑफिशियली ढिंडोरा पीट पीट के बताऊंगी कि मेरी शादी होने वाली है इस वक्त इस डेट को यहां से. सो टेंशन मत लीजिए. हाय सौरभ, यस यस कुसुम मिश्रा, बेशक
मैं बिल्कुल, मैं मुझे बट आइडिया नहीं है कब होगी, कहाँ होगी, तो जब होगी आप लोगों को बता दूंगी। चांदनी मूवी कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी, अभी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया है एंड आई होप जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच आलोक, थैंक यू सो मच मनीष भाई, हेलो हेलो राकेश, एनी एनी अदर क्वेश्चन, गुड आफ्टरनून, और कुछ और आप लोग पूछना चाहेंगे? रंजन चौबे हेलो, किधर हो अभी? अभी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में शूट कर रही हूँ सीरियल के लिए। सीरियल का नाम है ए मेरे हमसफर, दंगल चैनल पर आता है। आई गेस आज से टेलीकास्ट भी होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच अभिषेक। पीहूम दुबे हाय, बेशक मैं जब भी शादी करूंगी मैं पोस्ट कर दूंगी, मैं लाइव आके बताऊंगी। सो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं छिपके शादी नहीं करूंगी। चांदनी मैंने किया है, बेटी नंबर वन किया है। बेटी चांदनी में एक अलग ही किरदार आप देखेंगे। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तांडव वगैरह, जो तांडव मैंने किया है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है चांदनी का, वो एक अलग फिल्म है। फिर उसके बाद बेटी नंबर वन किया है मैंने, जहाँ पे मैं एक सुपरस्टार निधि के किरदार में हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, खूबसूरती से कैसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उस फिल्म में बताया गया है। फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, उसमें आपको एकदम शरीफ टिपिकल, लेस ऑफ मेकअप, यू नो नो हेयर स्टाइल, कोई ग्लैमर नहीं, एक कैरेक्टर, ना हीरो है ना हीरोइन है, उसमें सिर्फ दो कैरेक्टर हैं, और वो भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। हम लोगों ने एक छोटा सा रिस्क लेके कि यू नो यूजुअली क्या होता है एक्टर एक्ट्रेसेस का, ये होता है कि यू नो हम हीरोइन है, हम हीरो हैं, सो घूम फिर के कैरेक्टर ही क्यों ना हो, बट हमें हीरो दिखना होता है, हीरोइन। बट हमने, मैंने और यश जी ने बहुत कोशिश की है कि लोगों को इस फिल्म में थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार में ऐसा ना लगे कि दो हीरो हीरोइन है, ऐसा लगे कि दो कैरेक्टर हैं। सो बहुत खूबसूरती से छोटी छोटी डिटेल्स पे हमने काम किया है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। फिर उसके बाद मैंने किया साथ ना छोटे साथिया, एक अलग ही फैमिली ड्रामा, बहुत ही प्यारी सी फिल्म। और यू नो उस फिल्म के लिए मैंने स्पेशली पूरे फिल्म में डे वन से लेके लास्ट डे तक मैंने हाथों में मेहंदी लगा के रखी थी, ओरिजिनल मेहंदी, ताकि कॉन्सेप्ट जो था यू नो नई नवेली दुल्हन का, वो उससे मैं दूर ना जाऊं। तो ऑलमोस्ट हर चौथे दिन मेहंदी वाली आके मेहंदी लगाती थी, सो वो एक अलग कैरेक्टर है। उसके बाद मैंने कल्लू की दुल्हनिया किया, बहुत सारी खूबसूरत है हीरोइन है उसमें, मेरा एक अलग ही कैरेक्टर। सो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, और अभी अभी किया गुप्त, जैसा कि मैंने फोटो भी शेयर किया था आपको एक इंस्पेक्टर के किरदार में। सो अभी जितने फिल्में कर रहे हैं, कर रही हूँ मैं, सब एक से बढ़कर एक है, अलग अलग किरदार है, कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एंड गाइज अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब मुझे रेडी होना है मेरे शॉट के लिए। सो मैं बस ये लाइव आई थी, अभी वापस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज शाम को 7 बजे बीपुरी और भोजपुरी पे देखी कसम पैदा करने वाले की पार्ट 2, और कल दोपहर 1 बजे। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, आप सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और ऐसे